कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अम्बाला कैंट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को धोखे का पत्र बताया और कहा कि कांग्रेस आदतन धोखेबाज पार्टी है। वहीं कांग्रेस के हरियाणा को नशा मुक्त बनाने वाले वादे पर भी अनिल विज ने निशाना साधा है। कांग्रेस आदतन धोखेबाज पार्टी, जब हिमाचल का चुनाव हुआ था तब भी इसी प्रकार का कि भी ये हम महिलाओं को देंगे, ये इतने का सरेंडर करेंगे। आज हालत क्या है हिमाचल में? आज इनके अध्यक्ष ने वो जारी करा है, जाके पूछे तो सही, तनख्वाहें देने तक के उनके पास पैसे नहीं, तनख्वाहें देने से मना कर रहे हैं कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते। जो घोषणा की थी कुछ नहीं, ये सिर्फ धोखे का पत्र है, झूठ का पुलिंदा है और इसको बिल्कुल नदी में फेंक देना चाहिए। हिमाचल में कह रहे हैं भांग बोएंगे और उसको बेचेंगे, हरियाणा में कह रहे हैं मुक्त करेंगे। पार्टी तो एक ही है ना, पार्टी तो एक ही है, जीतने के बाद कैसे रंग बदलती है उसका उदाहरण है हमारे पड़ोसी। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अनिल विज ने तंज कसा है। कांग्रेस आदतन धोखेबाज पार्टी है अनिल विज ने कहा, तो इस मैनिफेस्टो को नदी में फेंक देना चाहिए। अनिल विज कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आज ही कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, 7 गारंटी दी है, उस पर अनिल विज ने तंज कसा है।